जानकारी सामने आ रही कि तत्कालीन सरकार की गलत दिशा में जांच की जा रही पुलिस पर दबाव डाला था। ये बहुत गंभीर मामला है, बड़ी चिंता की बात है कि अगर कुछ सरकारी पार्टियां ऐसी बात करती है, ऐसा कानों पर आना भी, उसमें सच्चाई क्या मुझे पता नहीं, लेना है अभी उसकी जांच कर रही है, मगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई होगी तो मुझे लगता है कि देश के सामने ये बहुत बड़ा धोखा है कि अगर कोई सरकारी पार्टी मतों के दुष्टीकरण के लिए, अनुनय के लिए, अपने मतदान के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए ऐसी हरकतें अगर करती हो तो ये तो राजनीतिक नीचता होगी जिसको कभी माफ नहीं करना। उनकी मांग थी नहीं, ये उनके गलत फहमी आप निकाल दो, उन्होंने कभी मांग नहीं की। हमने विधानसभा में मांग रखी, मैंने खुद रखी कि सभागृह का ये पवित्र अध्यक्ष पद है, इन्होंने कानून बदलना चाहिए, नियमों में बदलाव करना चाहिए करके टाइम पास किया। इनको डर था कि हम अगर गुप्त मतदान से अध्यक्ष का चयन करेंगे तो हमें हार का सामना करना, इसलिए इन्होंने देर की। तो आज बता रहे ज्ञान की बातें, अध्यक्ष का चुनाव हम करना चाहते थे, किसने रोका था भाई आपको? ये तो बात की बात है, जब आपने नियमों में बदलाव किया उसके बाद कोई प्रश्न खड़े हुए संविधान के प्रश्नों का जवाब मांगा गया। आखिरी के दो दिन थे उनमें ही संघर्ष था, उनमें एक मत नहीं था, एक विचार नहीं था, एक सूर नहीं था, आपस का अंतर कलह ये उनका स्थायी भाव। आता सद्या सभागृहाचे सन्माननीय प्रशासकीय अधिकारी ठरवतात, सत्तारूढ पक्ष असल्यानी मला माहित नाही, हे तर कोणी केलं पण पुढच्या निवडणुकीत ईव्हीएम मशीन मधून जनता मात्र त्यांचं कार्यालय सील करण्याचा प्रयत्न करेल। सुधीर, काही लोगों के परिवार को